हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एशियन मिथिक के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर बेंगाव के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है, जिससे यहाँ पर बेंगाव बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन बेंगाव यहाँ पर इस बंदे के ऊपर भी बिजली गिरा देता है, जिसकी वजह से यह बंदा यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बेंगाव और ये लड़की यहाँ पर इस जगह पर आ जाते हैं, तभी उसके ऊपर यहाँ पर बिजली गिरने वाली होती है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि इस थंडर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और उसका छुटकू ड्रैगन यहाँ पर बेंगाव के पास चला जाता है और वो बोलता है फाइनली यहाँ पर फिर से थंडर गिरने वाली है। इस बात को यहाँ पर ये छुटकू ड्रैगन भी सुन लेता है और वो बोलता है यहाँ पर थंडर का देवता हम लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इस बात को यहाँ पर बेंगाव भी सुन लेता है और वो बोलता है यह मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं जिलेई से यहाँ पर मिलने के लिए आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है इस थंडर की वजह से। बेंगाव के यहाँ पर ये बोलने के साथ यहाँ पर थंडर गिरने लगती है और ये थंडर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जंगल में आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पर बेंगाव के लिए यह थंडर काफी नहीं था, जिसकी वजह से बेंगाव यहाँ पर बोलता है और ज्यादा मुझे यहाँ पर चाहिए। तभी यहाँ पर यह थंडर और भी ज्यादा तेजी से बेंगाव के ऊपर गिरने लगती है। यहाँ पर इतने ज्यादा थंडर की पावर को देखकर यह छुटकू ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तभी हम लोगों को यहाँ पर इस लड़की को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस थंडर को कल्टीवेट करने लगती है ताकि इसका पावर यहाँ पर बढ़ सके। इसके बाद ये छुटकू ड्रैगन यहाँ पर बोलता है यह थंडर यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इस थंडर को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली यहाँ पर बेंगाव के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में गिरता है, जिसकी वजह से फाइनली यहाँ पर बेंगाव ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर यह छुटकू ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी बेंगाव यहाँ पर बोलता है मैंने पहले से ही थंडर को कंट्रोल करना सीख लिया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर और भी अच्छी तरह से अब थंडर को कंट्रोल कर सकता हूँ। इस पर यह छुटकू ड्रैगन बोलता है इस थंडर के यहाँ पर बहुत सारे लाभ हैं और मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके दिमाग में यहाँ पर जरूर ही कोई तरकीब चल रही है। इस बात को यहाँ पर ये लड़की भी सुन रही होती है और वो यहाँ पर बेंगाव को बोलती है तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे साथ ही रहो। और वो यह बोलकर यहाँ पर इस छुटकू ड्रैगन को पकड़ लेती है और इसे यहाँ पर बिजली के झटके देने लगी। इसके बाद वो यहाँ पर बेंगाव को बोलती है मैं यहाँ पर थंडर क्लैन से बिलोंग करती हूँ, जिसकी वजह से आपकी स्किल यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्या यहाँ पर आप मेरे साथ जाना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर बेंगाव बोलता है क्या तुम यहाँ पर सच में थंडर क्लैन से बिलोंग करती हो, जिस पर यह लड़की हाँ बोलती है और वो बोलती है मैं यहाँ पर थंडर क्लैन की लीडर हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको मुझसे यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये छुटकू ड्रैगन यहाँ पर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से ये लड़की यहाँ पर इस छुटकू ड्रैगन को यहाँ पर फेंक देता है और वो बेंगाव को बोलती है तुमने यहाँ पर मेरे साथ वादा किया था कि तुम मेरे साथ मेरे थंडर क्लैन में जाओगे। इस पर बेंगाव बोलता है मैंने तो यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला था, जिस पर ये लड़की गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर बांध दूंगी। और वो ये बोलकर यहाँ पर बेंगाव के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर एक फॉर्मेशन में फंस जाता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर बेंगाव और ये लड़की दोनों ही शॉक होते हैं। तभी हम लोगों को यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाती है और वो यहाँ पर बेंगाव को बोल रही होती है बेंगाव तुमने यहाँ पर मेरे भाई जियान का मजाक उड़ाने की कोशिश कैसे की और तुमने यहाँ पर सबके सामने उसकी बेइज्जती भी की, इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि भगवान भी यहाँ पर मेरा साथ दे रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे फॉर्मेशन में फंस गए हो। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने डैगर को एक्टिवेट कर लेती है। इस पर हम लोगों को इस थंडर क्लैन की लीडर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक ही झटके में इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाती है और वो इस लेडी को बोलती है तुम यहाँ पर बेंगाव को छूने की भी कोशिश मत करना क्योंकि ये मेरा है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने पावर की मदद से इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसे यह लेडी यहाँ पर डॉच कर लेती है, लेकिन यह अटैक इसके एक साथी को लग जाता है, जिसकी वजह से वह यहीं पर मर जाता है। इस चीज को देखने के बाद यह लेडी यहाँ पर अपने एक सील से इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर इस लेडी के कैद में आ जाते हैं। और वो बोलती है मैंने यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर सोचा था, लेकिन यहाँ पर तुम सच में पावरफुल हो। इस पर यह लड़की बोलती है यहाँ पर बेंगाव सिर्फ मेरा है, इसे तुम यहाँ पर नहीं छू सकती हो और ना ही यहाँ पर तुम इसे मार सकती हो। इन दोनों की यहाँ पर बातें चली रही होती है, तभी बेंगाव यहाँ पर सोचता है यहाँ पर तियान आने की हिम्मत नहीं कर सकता है क्योंकि वो इस जगह पर आने की वजह से मारा जाएगा। इस बात को यहाँ पर ये लेडी भी सुन लेती है और वो बोलती है जुटियान को यहाँ पर क्या हुआ है और मुझे तुम यहाँ पर तुम्हारे पास जो एशियन मिथिक है उस चीज को भी दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूंगी। क्योंकि जुटियान संप्रदाय के 10 सदस्यों के संप्रदाय को भी 10 4 प्रमुख संप्रदायों में स्थान दिया गया है। इस पर बेंगाव यहाँ पर जुटियान संप्रदाय का मजाक उड़ाते हुए इस लेडी को बोलते हैं जुटियान संप्रदाय में जब तक तुम्हारी जैसी लीडर रहेगी तब तक वो विकास नहीं कर
पाएगा, इसलिए तो वह तीसरे दर्जे का अभी तक है। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस सील को यहाँ पर एक ही झटके में तोड़ देता है। इसकी वजह से थंडर क्लैन की लेडी का भी सील टूट जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ यहाँ पर बिजली गिरने लगती है। इस चीज को देखकर ये लेडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर वेंगा को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने सील से यहाँ पर इस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर वेंगा एक स्लैश अटैक कर इसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपने ड्रैगन को इसके पीछे लगा देता है, जिसकी वजह से यह लेडी अपने ही साथी को इसके ऊपर फेंक देती है, जिसे यह थंडर क्लैन की लीडर दूर फेंक देती है और यह ड्रैगन जाकर इस लेडी को पकड़ लेता है और उस लेडी को यहीं पर जान से मार डालता है। इस चीज को यहाँ पर यह छुटकू ड्रैगन भी देख लेता है और वो वेंगा के पास चला जाता है और उसे बोलता है, यहाँ पर तुम्हारी इस ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक ही झटके में इस लेडी को जान से मार डाला। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इस थंडर क्लैन की लीडर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर वेंगा को बोलती है, वेंगा तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे थंडर क्लैन में जुड़ना चाहोगे? जिस पर यहाँ पर वेंगा मना कर देता है और वो बोलता है, तुम भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। इस चीज को यहाँ पर यह छुटकू ड्रैगन भी सुन लेता है और वो इन दोनों को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो और हम लोगों को यहाँ पर आराम करने के लिए एक जगह को ढूंढना होगा। इस छुटकू ड्रैगन के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग आराम कर रहे होते हैं और यहाँ पर वेंगा चिकन को पका रहा होता है और ये थंडर क्लैन की लीडर यहाँ पर वेंगा के पास आ रही होती है। इसे देख कर वेंगा उसे दूर करता है और उसे इस चिकन को दे देता है और वो बोलता है, यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है। इसके बाद वेंगा यहाँ पर थंडर क्लैन की लीडर को एक जगह को दिखाता है और वो बोलता है, इस जगह पर क्या है? जिस पर ये थंडर क्लैन की लीडर बोलती है, इस जगह पर एक क्लैन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं जब भी उस जगह पर जाती हूँ तब वो लोग मुझे यहाँ से निकाल देते हैं। इस बात को यह ड्रैगन जब सुनता है तब वो बोलता है, मैंने यहाँ पर पवन क्लैन और डिमन क्लैन के बारे में सुना है, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर वेंगा यहाँ पर इस थंडर क्लैन की लीडर को बोलता है, तुम यहाँ पर मुझे इसके बारे में बताओ। जिस पर ये थंडर क्लैन की लीडर मना कर देती है। इस बात को सुनने के बाद यह छुटकू ड्रैगन यहाँ पर वेंगा के पास आ जाता है और वो बोलता है, यहाँ पर ये लड़की तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगी, और वो हंसने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को अपने गोद में लेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों एल्डरों को दिखाया जाता है और ये लड़की यहाँ पर इन दोनों एल्डर के पास आ जाती है और इन लोगों से यहाँ पर मदद मांगने लगती है, जिस पर ये दोनों एल्डर भी यहाँ पर इस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये दोनों एल्डर इसके भाई के पास जाकर उसे जांचने लगते हैं कि उसे किसने मारा है। लेकिन तभी उसका भाई यहाँ पर जाग जाता है और इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। लेकिन तभी ये लड़का यहाँ पर इस एल्डर को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों के जाल में फंस गए हो, और वो ये बोलकर यहाँ पर इस मोटे एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये मोटा एल्डर अपने सामने एक सील बनाकर बहुत सारे शॉट से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम लोगों को यहाँ पर इस रेड कपड़ों वाले एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग भी यहाँ पर उठकर खड़े हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर आपस में टीम अप कर लेते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पर ये लड़की बोलती है, तुम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर हम लोगों के हाथों से मारे जाओगे। इस चीज को सुनकर ये रेड कपड़ों वाला एल्डर बोलता है, ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा कि कौन मारा जाएगा, और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ये मोटा एल्डर यहाँ पर अपने शॉट से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़की और उसका भाई उसके कब्जे में आ जाते हैं और ये रेड कपड़ों वाला एल्डर भी अपने अटैक को इन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर अपनी जान को बचा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक स्किल का यूज करती है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर इस लड़की के कंट्रोल में आ जाते हैं और यहाँ पर एक बंदा इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ आग लग जाती है और इन लोगों के ऊपर भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से इन एल्डर लोगों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या हुआ। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।